लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के अध्यक्ष हरियाणा में पार्टी के जनाधार के लिए सूबे की हर विधानसभा में रैली कर रहे हैं। उसी क्रम में वो सिरसा के गांव धिंगतानिया पहुंचे, जहां उन्होंने मनोहर सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सरकार सत्ता में दोबारा नहीं आ पाएगी। देखिए, 75 पार मनोहर लाल जी की जरूर हम कहेंगे कि मनोहर लाल जी 75 पार करेंगे, लेकिन बीच में फुल स्टॉप लगाकर कांग्रेस के संरक्षण में रहा, उसके बाद बीजेपी के संरक्षण में रहा। अब आई वास्तव करने के लिए बहुत सारी सरकार ड्रामे नौटंकी करती है। राजकुमार सैनी ने बीजेपी के साथ साथ इनेलो जेजेपी पर भी जमकर निशाना साधा। इसके साथ ही उन्होंने पार्टी बदलने वालों पर तंज कसते हुए कहा कि माल बटोरने के लिए स्वार्थी लोग दूसरी पार्टियों में शामिल हो रहे हैं। जो कुछ एक दो स्वार्थी थे वो बैग भी गए, क्योंकि लोगों को तो आजकल माल बनाने की जल्दी ज्यादा है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव में कुछ ही वक्त बचा है, लेकिन अभी से ही सभी पार्टियां चुनाव में जीत की ताल ठोक रही हैं। लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा कि चुनाव में किस पार्टी के सर पर जीत का सेहरा बंधेगा। R9 TV सिरसा से सुरेश सैनी की रिपोर्ट।